यूपी के शाहजहांपुर में लोगों की आंखें हुई नम। शहीद सारस सिंह को दी गई आखिरी विदाई। दहशतगर्दान हमले में शहीद हुए थे सारस सिंह। शहीद सारस सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए हजारों लोगों की उमड़ी भीड़। फौजी एजाज के साथ दी गई आखिरी विदाई। जम्मू कश्मीर के त्राल में फासी दस्तों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान ढेर हुआ जैश का टॉप कमांडर। त्राल में हुए एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी ढेर। कई दहशतगर्दाना वारदातों में शामिल था शमीम सोफी। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का ज्यादातर इलाके 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर सियासी बवाल। पंजाब के सीएम चन्नी बोले ये वफाकी ढांचे पर हमला। मरकज के फैसले से पंजाब में सियासी उबाल। कैप्टन अमरिंदर ने किया इस्तकबाल का। मरकजी आर्म फोर्सेस को सियासत में ना घसीटें। नायब सदर के अरुणाचल दौरे पर चीन को मुंह तोड़ जवाब। मुल्क की किसी भी रियासत में जाने के लिए हमारे लीडरान आजाद। वजीर खारजा ने कहा सरहद पार दहशतगर्दी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरहद से 50 किलोमीटर दायरे में बीएसएफ को गिरफ्तारी और सर्च ऑपरेशन की मिली ताकत। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का खसूसी मोटरसाइकिल मुहिम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया फ्लैग ऑफ। सीएम केजरीवाल ने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हुए छठ पूजा मनाने की इजाजत देनी चाहिए। पड़ोसी रियासतों ने भी छठ पूजा मनाने की इजाजत दी। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम जयराम ठाकुर। का सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का किया बेड़ा गर्क। मुल्क के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले कांग्रेस के स्टार कैंपेनर। दो दिन के ब्रेक के बाद आम आदमी को फिर लगा झटका। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। डीजल में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 35-35 पैसे बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104.79 रुपए फी लीटर हुई तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.75 रुपए। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे सीएम चन्नी। कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस में शाम 4 बजे होगी मुलाकात। सीएम बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर से होगी पहली मुलाकात। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी। रूटीन चेकअप के लिए एम्स दिल्ली में दाखिल। एम्स के सीएन टावर में चल रहा है मनमोहन सिंह का इलाज। कांग्रेस ने जारी किया बयान कहा मुस्तहकम है मनमोहन सिंह की तबीयत। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा मैं उनकी अच्छी सेहत और जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने मनमोहन सिंह का जाना हालचाल एम्स जाकर मनमोहन सिंह की सेहत के लिए जानकारी। सावरकर को लेकर भागवत और राजनाथ सिंह के बयान पर ओवैसी कमला का संघ और बीजेपी एक साथ मिलकर महात्मा गांधी के बाबा कौम का दर्जा भी सावरकर को दे सकते हैं। ओवैसी ने सावरकर के माफीनामे की तारीख को लेकर उठाए सवाल कहा सावरकर जेल में थे तब गांधी जी जुनूब अफ्रीका में। ओवैसी ने कहा गांधी जी के हिंदुस्तान लौटने से पहले 2 बार माफीनामा लिख चुके थे सावरकर। 1915 में जनूबी अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। किसान लीडर राकेश टिकैत का इश्तियाल अंगेज बयान कहा टैंक ट्रैक्टर और ट्विटर चलाना सीखे किसान अगर ये सीख लिया तो मुसीबत नहीं आई। राकेश टिकैत बोले पूरे मुल्क में ट्रैक्टर से ही हो रही है तहरीक। किसान तहरीक का भी सिंबल बनेगा ट्रैक्टर। पूरे मुल्क पे नो फार्मर्स नो फूड का चल रहा है नारा। राकेश टिकैत की एक और बदजुबानी कहा किसानों के लिए काला कानून मुल्क के लिए मोदी। 2024 तक निबट जाएगी मोदी हुकूमत। राकेश टिकैत ने कहा मुल्क का किसान मोदी हुकूमत को देगा 10 में से 0 नंबर। 10 साल तक चलाएंगे किसान तहरीक। केजरीवाल का बड़ा ऐलान कहा पंजाब को देंगे 24 घंटे बिजली। अफसरशाही खत्म कर सिस्टम को सुधारने का भी वादा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शहरी आवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के गाजियाबाद में हादसा लालकुआ इलाके में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस। बस में सवार थे प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम। हादसे में एक मुसाफिर की हुई मौत। कई लोगों के जख्मी होने की खबर। अस्पताल में कराया गया दाखिल।
लखीमपुर तशद्दुद के अहम मुल्ज़िम आशीष मिश्रा की रिमांड का आज आखिरी दिन, सीन रिक्रिएशन करा सकती है पुलिस। लखीमपुर तशद्दुद के कलीदी मुल्ज़िम आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज, सीजीएम कोर्ट ने आशीष पांडे की भी अर्जी खारिज। लखीमपुर तशद्दुद मामले में 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अंकित दास, 14 से 17 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रहेगा अंकित। एसआईटी ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को किया था गिरफ्तार, आशीष मिश्रा का करीबी अंकित। लखीमपुर तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का एहतजाज, दिल्ली की सड़कों पर निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस कारकुनान ने यूपी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी, मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का किया मुतालबा। लखीमपुर खीरी में बीजेपी कारकुनान का एहतजाज, कैंडल मार्च निकालकर राहुल गांधी और राकेश टिकैत का फूका पुतला। कोयला बहरान को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का मरकजी हुकूमत पर निशाना, बोले बहरान नहीं तो कोयला वजीर का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों। कोयला वजीर प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरा, कहा बारिश के चलते प्रोडक्शन में हो रही परेशानी, अफसरान के साथ कोल प्रोडक्शन पर चर्चा। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर शुरू हुई समाज, सीनियर वकील अमित देसाई और सुशील मान शिंदे कोर्ट पहुंचे। आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी के काम पर उठाए सवाल, कहा जिस प्रतीक ने आर्यन को पार्टी में बुलाया उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मुजरिम ड्रग्स पेडलर नहीं। मुंबई ड्रग्स केस पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक का संगीन इल्जाम, का मुझे सियासत के तहत शिकार बनाया जा रहा है, मेरे दामाद समीर को झूठे केस में फंसाया गया। नवाब मलिक का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी के इशारे पर फर्जीवाड़ा कर रही एनसीबी, तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती एनसीबी। मुल्क भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी, अयोध्या समेत मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का लगा तांता। गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, मां दुर्गा की आरती के बाद चढ़ाए फूल। कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की गौ पूजा, गौ माता को चढ़ाई लाल चुनरी, लगाया गुड़ चने का भोग। पटना में सीएम नीतीश ने पूजा पंडालों में किए माता के दर्शन, रियासत की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर अकीदत में डूबा माहौल, सीएम हेमंत के पंचमुख मंदिर में किए दर्शन। एमपी के सलकनपुर में माता विंध्यवासिनी विजयासन देवी के दरबार में सीएम शिवराज ने माथा टेका, अहल्या साधना सिंह के साथ शक्तिपीठ में लगाई हाजिरी। महाअष्टमी पर सोने चांदी से सजाई गई विशाखापट्टनम की कन्या परमेश्वरी माता, दान में मिले 5 करोड़ रुपए से सजाया गया माता का दरबार। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,987 नए कोरोना केस, गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 246 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना से अब तक 3,33,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, कोरोना से अब तक 2,06,586 एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना मालूकीन के कुनबे की मदद के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला, 50,000 मुआवजा देने का किया ऐलान। महानवमी के मौके पर योगी ने किया कन्या पूजन, गौरक्षपीठ की मां आदि शक्ति की आराधना। यूपी असेंबली नायब स्पीकर के इंतखाब की तारीख आई सामने, 18 अक्टूबर को होगा इंतखाब। 17 अक्टूबर को होगा नॉमिनेशन, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कराने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट में तैयारियां शुरू। 19 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे आरएसएस सरबरा मोहन भागवत, करेंगे राष्ट्रवाद का जन जागरण, भगवान रामलला के भी करेंगे दर्शन। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का मुमकिन सिद्धार्थनगर दौरा, यूपी को मिलेगी एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग, वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यूपी इंतखाब के हिकमत अमली पर चर्चा।
2022 इंतखाब की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी दफ्तर में इलेक्शन इंचार्ज अनुराग ठाकुर की मीटिंग, तंजीम के साथ मीडिया सेल के साथ की मीटिंग। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का अपोजिशन पार्टीज पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में तरक्की का जो रास्ता अब तक बंद था उसे बीजेपी ने आकर खोला। यूपी के जालौन में अखिलेश यादव ने की फूलन देवी की मां से मुलाकात, मांगा यूपी फतेह का आशीर्वाद। आगरा में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद की जाहिर की ख्वाहिश, मरकज और रियासती हुकूमत पर साधा निशाना। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस से इत्तेहाद की नहीं है कोई उम्मीद, एसपी के साथ मिलकर लड़ेंगे इंतखाब। यूपी के सहारनपुर में शिया मजहबी रहनुमा कल बीजाबाद का अपोजिशन पर हमला, कहा कांग्रेस बसपा और सपा के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक। यूपी के इटावा में एमपी रामाशंकर कठेरिया ने किया खाद खरीद का जायजा, किसानों से मुसलसल मिल रही थी शिकायत। मनीष कत्लकांड में एसआईटी की कार्रवाई जारी, 1 लाख के नामी पुलिस एहलकार कमलेश को किया गिरफ्तार, मामले में अब तक 5 मुलजिमीन की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की गाड़ी रोकना, नौजवान को पड़ा भारी, एसपी ने उतर कर पीटा, कैमरे में कैद तस्वीरें। यूपी के गाजियाबाद में इंद्रापुरम की झुग्गियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में चोरों के हौसले बुलंद, मेले के बाहर खड़ी बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोर की करतूत। यूपी के बाराबंकी में धान के खेत में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, महकमा जंगलात की टीम ने सख्त मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। यूपी के महाराजगंज में इज्तिमाई शादी मंसूबे के तहत 233 जोड़ों की हुई शादी, वजीर मामलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने दिया आशीर्वाद। यूपी के कानपुर में रामलीला के मंच पर परोसी गई फुवरता, रामलीला से पहले लगवाए गए डांसरों के ठुमके।